हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2018 का नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या खास खास बातें हैं, आप यूपीपीसीएस 2018 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या इम्पोर्टेंट चेंजेज इसमें किए गए हैं पिछले एग्जामों के कंपैरिजन में, इसको देखते हैं। 2018 यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपर पीसीएस में जो कंबाइंड अपर सबॉर्डिनेट एग्ज़ाम है उसमें 831 पोस्ट, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात जो है डिप्टी कलेक्टर की 119 पोस्ट हैं, जो कि बताया गया कि पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा पोस्ट एसडीएम की या डिप्टी कलेक्टर की इस बार आई है। दूसरा, इस बार इसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ की 16 पोस्ट का भी एग्ज़ाम इसी के माध्यम से होगा। प्रीलिम्स के जो पेपर होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा। साथ में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जिसकी 76 पोस्ट है उसका भी प्रीलिम्स का पेपर सेम होगा। तो आप सिर्फ अपर पीसीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एसीएफ और एफआरओ के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको फॉर्म भरते समय बताना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ओवरऑल टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। साथ में जो ड्रीम पोस्ट डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है उसकी संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम लोग डेट्स के बारे में बात कर लें, चूँकि 6 जुलाई से इसका फॉर्म आप आज के डेट से आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट इसमें 6 अगस्त है। लेकिन फीस डिपॉजिट की जो डेट है वो 2 अगस्त है, उसके बाद आप फीस डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो डेट्स का बहुत ध्यान रखें और मैं तो कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें, चूँकि अभी एग्ज़ाम में आपके 40-42 दिन का आपको सिर्फ टाइम मिल रहा है फॉर्म आने और एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और इसकी तैयारी में जुट जाएं। और इस बार यूपीपीसीएस ने एक और इसमें छात्रों को फैसिलिटी दिया है कि अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, एक बार करेक्शन का मौका मिलेगा। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत पहले से हमें पता है, वो है 19 अगस्त। तो एग्ज़ाम कि डेट फिक्स है और एग्ज़ाम टलेगा नहीं, एग्ज़ाम 19 अगस्त को ही होगा। आप अपने तैयारी में किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रखें कि एग्ज़ाम टल भी सकता है, आप 19 अगस्त के हिसाब से तैयारी अपनी जारी रखें। इसमें वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 1 जुलाई 2018 की को एज 21 से 40 वर्ष के बीच में है। और देखें अगर तो इसमें दो पेपर होंगे, जो पहला पेपर होगा जनरल स्टडी का, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का। दूसरा पेपर सीसैट का होगा जो कि क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होगा जो कि 200 मार्क्स का है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल जीएस पेपर से बनेगी, इसलिए पिछले कम से कम 5 सालों का यूपीपीसीएस का जो पेपर है, जनरल स्टडी का जो पेपर है, उसको ध्यान से सॉल्व करें, उसको ध्यान से एनालिसिस करें कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आए हैं। और इन 40 दिनों का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करना होगा, पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे उपयोग करना होगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे केस में। और एक चीज़ जो ध्यान रखना है, इसके पहले यूपीपीसीएस में निगेटिव मार्किंग नहीं था, पहली बार यूपीपीसीएस निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया है, वो भी 1/3 का। मतलब अगर आपका एक प्रश्न गलत हो रहा है तो उसका 1/3 जो मार्क्स बनेगा वो कट जाएगा। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 2017 का पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, लोग जो कट ऑफ गई आप जानते हैं कि 95-96 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट के लिए गया है। तो अभी इस बार निगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ और ज़्यादा जाने के चांस नहीं है, कम ही रहेगा। तो सोच समझ के पेपर को सॉल्व करें, जो प्रश्न ठीक से नहीं आते या जिन प्रश्नों के बारे में आप बिल्कुल श्योर नहीं हैं ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करें। इसका मेंस का पैटर्न अभी जैसा कि हमें पता है कि ये
यूपीएससी के अकॉर्डिंगली हो गया है, लेकिन जो मार्क्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो जनरल हिंदी और इससे का जो पेपर है ये 150 मार्क्स का होगा, बाकी चार पेपर जनरल स्टडी के हैं जो कि करीब करीब यूपीएससी के पैटर्न पे ही है, लेकिन जो इनका मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 है। साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा इसमें आपको दो पेपर देने होंगे, और ये सभी के सभी जो पेपर हैं, ये सभी के पेपर जो हैं अगर आप देखें तो ये सब्जेक्टिव होंगे, रिटेन होंगे। तो अभी तो आप मेंस को भूल जाइए, पूरी कोशिश करिए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करेंगे, प्रीलिम्स कैसे उपयोग करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ख़ासतौर से जो उत्तराखंड के बच्चे हैं जो उत्तराखंड पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें और देखें कि उनकी तैयारी का लेवल क्या है। धन्यवाद।